बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर साधु संतों में रोष है। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने बैठक की है। संतों की बैठक में हरिद्वार के सभी अखाड़ों से जुड़े हुए सहित अखाड़ों के महामंडलेश्वर और अन्य संत मौजूद रहे। बैठक के बाद साधु संतों ने प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साधु संतों ने कहा है कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो वहीं संतों ने बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदुओं के लिए अलग देश बनाए जाने की भी मांग की है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से पूरी दुनिया के सामने दंगा नाच हो रहा है और चुन चुन के षड्यंत्र पूर्वक वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू समुदाय है उसको निशाना बनाया जा रहा है, बर्बरता पूर्वक उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लूटपाट की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज भारत का साधु समाज, भारत का सनातन हिंदू धर्मावलंबी समाज बहुत व्यथित है। और आज हमने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष, उनको ज्ञापन दिया है प्रशासन के माध्यम से कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बांग्लादेश पर बनाया जाए और वहाँ हिंदुओं के जान माल की और सम्मान की रक्षा की जाए। और साथ ही साथ ये मांग की है कि वहाँ जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अलगाववाद का व्यवहार किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग देश की मांग हमने की है कि जिससे हिंदू समाज सम्मान के साथ रह सके और एक अलग देश हिंदुओं के लिए वहाँ बनना चाहिए। हरिद्वार के सभी अखाड़े और सभी प्रमुख संत आज उपस्थित थे और सबके मन में बड़ा अत्यधिक रोष था, कष्ट था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार पर पूरा विश्व शांत है। पूरे विश्व को जो मानवता की चिंता की बात करते हैं, वो मानवता की चिंता करने वाले लोग कहाँ गए? मानव अधिकार आयोग कहाँ गए? संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ गए? इसीलिए उनकी नींद तोड़ने के लिए हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कहा है भारत सरकार तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकारी आयोगों पर दबाव डालकर और सरकारों पर दबाव डाल करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तत्काल रोके और बांग्लादेश में जो हिंदू बेघर हुए हैं उनको आप पुनर्वास करें तथा हिंदुओं की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ बचे हुए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ हिंदू राष्ट्र एक अलग से बनाया जाए, जो हिंदुओं की सरकार हो, हिंदुओं का प्रशासन तंत्र हो, इन 2 करोड़ लोगों के लिए अलग रखा जाए और साथ बांग्लादेश के 2 विभाजन करना अब आवश्यक हो गया है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश में जिहादी ना माने, समझाने से नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर सेना की कार्रवाई की जाए और सेना के द्वारा वहाँ शांति स्थापित किए जाए, जो शांति सेना है विश्व की वो भेजी जाए, सभी देशों से सेना जाए और वहाँ कठोर कार्रवाई करे। साथ में हमने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में जो आतताइयों ने, जिहादियों ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, उनके साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इस्लाम का जिहादी दोबारा ये हिम्मत न कर सके। देश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की संत समाज गौर भर्सना करता है और इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन देकर वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध वो शांति सेना वहाँ पर भेजे या यूएनओ इंटरफेरेंस करके वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस आशय से ज्ञापन आज हरिद्वार के 13 अखाड़े और हरिद्वार की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने दिया है। निश्चित रूप से जो वहाँ पर रहने वाला 10% हिंदू समाज है उनके लिए एक अलग राष्ट्र की मांग हम सब लोग करते हैं। वहाँ पर हिंदुओं की एक अलग सरकार निर्वाचित की जाए और वहाँ पर हिंदू सुरक्षित रह सके, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है।